ओके फ्रेंड्स, लेट्स गो अहेड विद द द्रविडियंस नेक्स्ट ट्राइब चैप्टर 1 एसएस स्टैंडर्ड 10th एंड दिस इज द 10th वीडियो 10th पार्ट ऑफ चैप्टर 1. द नेक्स्ट ट्राइब इज द द्रविडियंस, पेज नंबर 5. ये फर्स्ट चैप्टर का 5 नंबर के पेज पर दिया हुआ है, द द्रविडियंस, राइट. सो द्रविडियंस है, वैसे तो माना जाता था कि ये है वो सिंधु वैली सिविलाइजेशन के क्रिएटर माने जाते थे, राइट. सो फर्स्ट लाइन में दिया है, द्रविडियंस वर कंसिडरेड टू बी द क्रिएटर, यानी सर्जक. द्रविडियंस को इंडस वैली सिविलाइजेशन के, यानी कि सिंधु वैली, वो एक ही है, इंडस और सिंधु. द्रविडियंस को सिंधु नदी की संस्कृति का, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसका सर्जक माना जाता था, राइट. द द्रविडियंस वर कंसिडरेड टू बी द क्रिएटर ऑफ सिंधु वैली सिविलाइजेशन ऑफ मोहनजोदड़ो एंड द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ स्टोन एरा कल्चर. यहाँ पे आर ए आर ई जो दिया है, वहाँ पे मेरा मानना है वहाँ पे ए आर ई नहीं आएगा, वहाँ पे ई आर ए एरा, एज, ए जी ई. आप एरा भी कर सकते हो, स्टोन के बाद जो वर्ड दिया है ए आर ई उसकी जगह पर, सेकेंड लाइन में उसकी जगह पर आप ए जी ई, एज भी कर सकते हो, या फिर ई आर ए एरा कर सकते हो टेक्स्ट बुक में. तो द्रविडियंस को सिंधु नदी की संस्कृति का सर्जक भी माना जाता था, और मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसी की बात की गई है. तो मोहनजोदड़ो की सिंधु नदी की संस्कृति का सर्जक द्रविडियंस को माना जाता है. एंड द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स, तो द्रविडियंस को डायरेक्ट डिसेंडेंट्स भी माना जाता है. डिसेंडेंट्स का मतलब यहाँ पे आपको समझना है वंशज, राइट. तो द्रविडियन को सीधे वंशज माने गए हैं स्टोन एज कल्चर के, यानी पाषाण युग, पत्थर युग. पत्थर युग की संस्कृति के सीधे वंशज है वो भी द्रविडियंस को माने गए हैं, राइट. और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है मोहनजोदड़ो की, उसके भी सर्जक जो है वो द्रविडियंस को माने गए हैं. तो ये जो द्रविडियंस की शॉर्ट नोट आपको पूरी लर्न करनी है, उसमें से ये जो पहली लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से. इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकते हैं, ट्रिपल्स भी पूछ सकते हैं, फिर इन द ब्लैंक भी आ सकता है कि द्रविडियंस को कंसिडर किया जाता था, या तो फिर कौन सी जाति को आपको पूछ सकते हैं कि विच ट्राइब कुड बी कंसिडरेड टू बी द क्रिएटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ मोहनजोदड़ो, तो उसमें भी आएगा द्रविडियंस आंसर, राइट. और हु वर कंसिडरेड एज द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ स्टोन एज कल्चर, तो उसमें भी आएगा द्रविडियंस. द्रविडियंस को पत्थर युग के सीधे वंशज माने जाते थे. द ट्राइब्स विच केम फ्रॉम नॉर्थ सर्वाइव्ड विद देयर लैंग्वेज एंड कल्चरल फीचर्स. जाति यानी द्रविडियंस की जाति, ये जाति जो नॉर्थ से आई थी और यहाँ पे सर्वाइव हो गई अपने भाषा और अपनी संस्कृति के साथ. लेटर ऑन दे वेर ओनली कॉल्ड एज द्रविडियंस, और उसके बाद ही उनको द्रविडियंस के नाम से जाना गया. तो कुछ जातियाँ जो नॉर्थ से आई थी वो यहाँ पे भारत में आकर सर्वाइव हो गई, यहाँ पे टिकने लगी अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के साथ, वो संस्कृति को उसने फ्लरिश किया, फैलाया, और धीरे धीरे उसके बाद ये जो जातियाँ है वो द्रविडियंस के नाम से जानी गई. द्रविडियंस गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मदर एज अ गॉडेस एंड फादर एज अ गॉड. वो द्रविडियंस ही थे जिन्होंने गॉडेस को माता का और गॉड को पिता का कॉन्सेप्ट दिया. मतलब कि द्रविडियंस ही थे जिन्होंने भारत के लोगों को ये कॉन्सेप्ट दिया कि हम गॉडेस को माता और गॉड को पिता से, पिता की तरह समझें या पिता की तरह पूजें, राइट. तो वो द्रविडियंस ही थे जिन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा विचार भारत को दिया कि जिसमें गॉडेस को माता और गॉड को पिता तुल्य गिना जाए. सो द थॉट ऑफ पार्वती एंड शिवा एज मदर एंड फादर डेवलप्ड, और इसी की वजह से पार्वती और शिव का जो विचार है माता और पिता के तौर पर वो डेवलप हुआ, विकसित हुआ. तो द्रविडियन ही लोग थे जिन्होंने पार्वती को माता और शिव को पिता तुल्य गिनकर इस विचार को डेवलप किया, ये द्रविडियंस थे. मोर ओवर, उसके अलावा, द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग नेचर इज द गिफ्ट ऑफ द द्रविडियंस. उसके अलावा जो नेचर है, प्रकृति को पूजना, प्रकृति की पूजा करना, वर्शिप यानी पूजा करना, और ट्रेडिशन यानी परंपरा, यानी प्रकृति को, प्रकृति की पूजा करने की जो परंपरा है वो द्रविडियंस की ही एक देन है, द्रविडियंस की गिफ्ट है भारत को, राइट. तो द्रविडियंस की एक गिफ्ट ये भी है कि जो नेचर को पूजा करने की परंपरा है वो द्रविडियंस ने दी है, राइट. सो उसके अलावा प्रकृति को पूजने की परंपरा
वो द्रविडियंस की ही गिफ्ट है इंडियंस को, राइट। द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग विद धूप, वर्शिप यानी पूजा करना, ट्रेडिशन यानी परंपरा, तो धूप से पूजा करना, धूप दीप से पूजा करने की जो परंपरा है, धूप यानी यहाँ पे धूप करते हैं या फिर अगरबत्ती करते हैं, ब्रैकेट में दिया है इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती, और दीप यानी लैम्प दिया जलाना, तो धूप और दीप से पूजा करने की जो परंपरा है एंड आरती, और आरती की जो परंपरा है, आर कंसिडरेड टू बी द गिफ्ट्स ऑफ द द्रविडियंस, इसको भी द्रविडियन की ही भेंट माना जाता है, राइट। तो धूप दीप से और आरती से ईश्वर की पूजा करना और जो पूजा करने की परंपरा है वो द्रविडियंस की गिफ्ट है भारत को। बिसाइड्स उसके अलावा नेचर एंड एनिमल वर्शिपिंग एट्सेट्रा आर देयर ग्रेट फीचर्स, उसके अलावा प्रकृति और प्राणी को पूजना ये भी उनके एक लक्षणों में से एक है, उनके महान लक्षण है, फीचर यानी लक्षण। उसके अलावा प्रकृति और प्राणी की पूजा करना भी द्रविडियंस के लक्षण है। ओरिजिनल डेटीज ऑफ द्रविडियंस, अब ओरिजिनल देवी देवता है जो द्रविडियंस के, हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द आर्यंस, तो ओरिजिनल देवी देवता है जो द्रविडियंस के, उनको एक्सेप्ट कर लिया गया आर्यंस के द्वारा, उनका स्वीकार कर लिया गया आर्यंस के द्वारा, एंड वेर री एस्टैब्लिश्ड बाय देम एज अ गॉड ऑफ कल्चर, और उसके बाद आर्यन के द्वारा उसको पुनः स्थापित किया गया किसके तौर पर, गॉड ऑफ कल्चर के तौर पर, संस्कृति के भगवान के तौर पर, विथ पेस ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त बीतता गया, राइट। तो द्रविडियन के ईश्वर को, द्रविडियन के भगवान को ही, जो द्रविडियन के देवी देवताओं को ही आर्यंस ने स्वीकार कर लिया और उनको फिर से पुनः स्थापित किया उनके संस्कृति के देवी देवता की तरह, जैसे जैसे वक्त बीतता गया, तो आर्यंस ने ही द्रविडियन के देवी देवताओं का स्वीकार किया। एंड आर्यन भी एक जाति है जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, राइट, इसको आर्य बोलते हैं। अंडर द ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के बहुत बड़े पैमाने के असर में, उसके असर के नीचे आर्यन कल्चर वॉज डीपली इंटरनलाइज्ड बाय द द्रविडियंस, मतलब कि नॉर्थ का जो बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ उसके अंतर्गत आर्यन कल्चर है बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गया द्रविडियन कल्चर के साथ, राइट। हैंस इंटरकास्ट मैरिज टुक प्लेस, और द्रविडियंस और आर्य के बीच में इंटरकास्ट मैरिज भी होने लगे। द्रविडियंस हैड मैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ फैमिली, द्रविडियंस को जो फैमिली की सिस्टम थी वो मैट्रियार्कल थी। मैट्रियार्कल का मतलब होता है कि जिसमें माता का महत्व ज़्यादा होता है, राइट। मदर इज द ग्रेट पार्ट ऑफ द फैमिली, जो हेड है वो फैमिली का, जिसको गिना जाता है वो मदर को गिना जाता है। तो द्रविडियंस है वो उनकी मैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ फैमिली थी, यानी कि ये पूरी जिसमें माता जो है, मदर जो है वो सेंटर पे होती है फैमिली में, जबकि आर्यंस है उनमें थोड़ा ये अलग था। द्रविडियंस प्रोग्रेस्ड अ लॉट इन डिफरेंट क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स, द्रविडियन है उन्होंने बहुत विकास किया क्राफ्ट में और आर्ट में, जैसे कि बिल्डिंग ऑफ बोट एंड राफ्ट, बोट और राफ्ट का बनाना, राफ्ट क्या होता है, बोट जैसा ही होता है ये, राइट, बाम्बू के स्टिक को जोड़ के राफ्ट बनाया जाता है, तो बोट और राफ्ट बनाने की जो कला है उसमें वीविंग, बुनने की कला, स्पिनिंग, डाइंग, तो वीविंग और स्पिनिंग क्या होता है, जो कपड़े या फिर ऐसा कपड़ा जो है उसको बुनने की कला होती है, डाइंग यानी ये कलर, क्या कलर से डाई करने की जो कला है, तो द्रविडियन है उन्होंने बहुत विकास किया क्राफ्ट में और आर्ट्स में, जैसे कि बोट बनाना, राफ्ट बनाना, वीविंग करना, स्पिनिंग करना, डाइंग करना, ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द आर्यंस, लेकिन आर्यंस का कुछ ज़्यादा ही प्रभुत्व बढ़ गया नॉर्थ में, उसकी वजह से दे शिफ्टेड, दे मतलब द्रविडियन शिफ्टेड टू साउथ, द्रविडियन जो है वो साउथ की तरफ शिफ्ट हो गए एंड सेटल्ड देयर, और वहाँ पे ही सेटल हो गए। तो आर्यंस जो है उनका प्रभुत्व नॉर्थ में बढ़ गया, उसकी वजह से जो द्रविडियंस है वो साउथ में जाके सेटल हो गए। एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम के तौर पर टुडे वी कैन सी द पीपल स्पीकिंग द्रविडियन फैमिली लैंग्वेजेस, जिसके परिणाम के तौर पर आज हमें देखने को मिल सकते हैं बहुत सारे लोग जो द्रविडियन फैमिली के लैंग्वेजेस बोलते हैं, द्रविडियन लैंग्वेजेस बोलते हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम एट्सेट्रा इन साउथ। तो आज हमें जो साउथ में भाषाएं सुनने को या देखने को, भाषाएं सुनने को मिलती है,
जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये द्रविड़ लैंग्वेजेस है। और ये द्रविड़ियन लैंग्वेज हमें साउथ में इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि द्रविड़ियंस है वो साउथ में जाके सेटल हो गए, राइट। अब दूसरी जो ट्राइब्स है, अदर ट्राइब्स, राइट, तो फोर्थ ट्राइब में इसके अलावा हमको मंगोलॉयड, अल्पाइन, डिनारिक, आर्मेनॉयड ट्राइब जो है वो हमको देखनी है, राइट। सो इन दिस वीडियो वी विल सी ओनली द्रविड़ियंस, राइट। सो स्टूडेंट्स प्रिपेयर दिस एज अ शॉर्ट नोट फॉर 3 मार्क्स। इट कैन बी आस्क्ड आइदर इन 3 मार्क्स और इन 4 मार्क्स, राइट। वेटेज के हिसाब से वो 2 मार्क्स में भी आ सकता है, लेकिन आपको पूरा ही प्रिपेयर कर देने का, तो वो आपको 4 मार्क्स में भी पूछ सके तो भी आप लिख सकते हो, राइट। सो यू प्रिपेयर दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। वी विल सी सम मोर अदर ट्राइब्स, राइट।